बहुत बार लोग आते हैं कि मैं हिलाते हिलाते थक गया, क्या करूं। चलो आइए उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मास्टरबेशन अर्थात हाथ से करना, मुट्ठी मारना, हिलाना, ऐसे अलग 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 उसको नाम है। मास्टरबेशन से लोग एक्चुअली डिप्रेशन में जाते हैं, उसका एडिक्शन हो जाता है, उसमें थक जाते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो अभी तक पब्लिश किए हुए, उसमें बताया कि मास्टरबेशन नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भूख उतना खाना, वैसे जितना लगता है उतना मास्टरबेशन करो, मगर वो कुछ लिमिट है उसके। समझे, आप रोज़ एक बार करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज़ दो बार भी करते तो प्रॉब्लम नहीं है, अपना अपना ताकत है, अपना अपना तरीका है करने का। मगर ऐसा हो रहा है कि जब भी आपकी इच्छा भी नहीं है करने की और तभी भी आपको करना ही पड़ रहा है ज़बरदस्ती, मतलब वो एडिक्शन जैसा हुआ है, अब वो करना ही पड़ रहा है, उसके सिवा आपको मज़ा नहीं आ रही, तो वो OCD के रूप में भी दिखता है ऐसा, इस तरह का। एक तो OCD जैसा है या फिर एडिक्शन हो चुका है, मतलब दिन में 4 बार 5 बार 6 बार आप कर रहे हैं, उसके ऊपर जख्म हुई है घिस घिस के और तभी भी आप कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। बहुत सारे लोगों को मास्टरबेशन करने से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी बीमारी हुई है। कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लैंगिक कठोरता नहीं आती, और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब जल्दी गिर जाना, शीघ्र पतन होना, वो होता है क्योंकि जल्दी जल्दी हिलाते, जल्दी जल्दी फटाफट ड्रॉप करते, निकाल डालते हैं, तो एक वो हैबिट बन जाती है कि चालू किया फटाफट बाहर निकालो। फिर शादी के बाद में भी वैसे ही होता है। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है प्रॉब्लम है या फिर एडिक्शन हो चुका है। फिर मास्टरबेशन करते हैं, गिल्टी फीलिंग होता है, अच्छा नहीं लगता, अपराध बोध की भावना है कि अच्छा नहीं है, फिर उससे एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। फिर कुछ लोगों के बाल भी कम हो जाते हैं, गिर जाते बाल, उन लगता है कि भाई ये तो हस्तमैथुन से हुए। कुछ लोगों को कमजोरी, थकान आती है, कुछ लोगों को खाना थकता नहीं, कुछ लोगों के गाल बैठ जाते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे अलग 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 प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, सॉल्यूशंस क्या क्या है। एक तो बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, ये एडिक्शन है, तो सीधा कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं आपको देते रहता हूँ। SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर, SSRI, ये दवाई से इच्छा कम हो जाएंगी थोड़ी सी। फिर दूसरा है कि अकेले नहीं रहना है। आप जब अकेले रहते हो तो फिर क्या होता है, वही विचार आएंगे, फिर आप हस्तमैथुन कर लेंगे, इसलिए अकेले जितना हो सके उतना नहीं रहने का है। इच्छा हो गई, किसी दोस्त को कॉल करो, घर के परिवार के लोगों के साथ में बैठो, कुछ तो भी नाश्ता करो, कुछ तो भी बातचीत करो, कुछ तो भी अपना दिमाग इधर उधर बहलाओ, ताकि इच्छा जो है वो विचार निकल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो बाथरूम से जल्दी बाहर आना है। क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर कम लोग हैं, फिर बाथरूम में स्नान करने के पहले या बाद में लोग हस्तमैथुन करते, करने नहीं, फटाफट जल्दी जाना, जल्दी बाहर आना है। फिर अपने आप को आप बोल सकते हैं कि नहीं, अभी मैं ना 2 दिन नहीं करूँगा, और 2 दिन नहीं किया तो पीठ थपथपाना, अपने लाइकिंग का जो है वो परचेस करना, खाना, मतलब अपने आप को एक रिवार्ड देना, अवार्ड देना कि मैंने 2 दिन नहीं किया, तो उससे भी अच्छा लगता है, उससे भी अपना टाइमिंग जो है दो का बीच का वो लंबा होते जाएगा। तो हो सकता है कि मैं 2 दिन नहीं करूँगा, 4 दिन नहीं करूँगा और नहीं किया, तो शाबाशी देना या कुछ खरीदी करना जो अपने को अच्छा लगता है, खाने पीने की चीज़। फिर नेक्स्ट है कि फ़ोन डिटॉक्सिफिकेशन, मोबाइल डिटॉक्स, मतलब मोबाइल वापरने के ही नहीं है। क्या होता है कि लोग हस्तमैथुन करने के पहले फ़ोन देखते हैं, कुछ ना कुछ सेक्सी वीडियो देखेंगे, फिर हस्तमैथुन करेंगे। मोबाइल डिटॉक्स ही किया तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अल्कोहल बंद करो। अल्कोहल क्या होता है कि अल्कोहल लोग लेते हैं, फिर इच्छा बहुत बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है अकेले है, फिर हस्तमैथुन करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि अकेलेपन जब होता है ना, अकेलापन, तब लोग हस्तमैथुन करते हैं। तो अकेलापन दूर कैसे करेंगे, प्यार करने वाला व्यक्ति अपने लाइफ में कैसे लाएंगे, दोस्त से, परिवार से, एक साथ एकजुट कैसे रहेंगे, वो आपको देखना होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हस्तमैथुन का ये होता है, और ये तब होता है जब शादी हुई है और तभी भी आप हस्तमैथुन कर रहे हो। शादी होने के बाद में क्या करना चाहिए,
शादी होने के बाद में सेक्स करना चाहिए पत्नी के साथ में। अब यहाँ शादी हो चुकी है और इसको इच्छा ही नहीं हो रही है बीवी के साथ में। बीवी के साथ में गया कि धड़कन, घबराहट, बेचैनी, अकेला है तो कर सकता है हैंड प्रैक्टिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसा हमको दिखता है, हंसमझ के है, और ये ठीक होना ज़रूरी है। यदि आपका जो एडिक्शन है, लत है, वो ठीक करना है, तो आप मेरे से ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं, ऑफलाइन सेशन ले सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।